आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube के चैनल में न्यू 2020 एस के साथ। इसकी पहली वीडियो में हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, मॉर्फोलॉजी के बारे में और रूट के बारे में। रूट तीन टाइप की होती हैं, टैप रूट, एडवेंचियस रूट और फाइब्रस रूट। हम जान चुके हैं कि टैप रूट क्या चीज़ होती है, एडवेंचियस रूट क्या होती है और फाइब्रस रूट क्या होती है, और इनके एग्जाम्पल भी जान चुके हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे इनके एग्जाम्पल याद करने का तरीका। तो हम देखेंगे तीनों रूट के हमको एग्जाम्पल कौन सी ट्रिक से याद करना है, चलिए उसको देखते हैं। ए जी, मेरे बेटे ने फिर वहाँ टॉप मारा है। ए से एडवेंटियस, जी से एग्जाम्पल, एम से एग्जाम्पल, बी से एग्जाम्पल, एफ से फाइबर्स रूट, डब्ल्यू से एग्जाम्पल, टी से टैप रूट, एम से एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं आगे। तो हम जानेंगे ट्रिक्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टैप रूट। टैप रूट क्या चीज़ होती है? कुछ डाइकोट प्लांट में डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, जिसको जो कि चेंज हो जाता है प्राइमरी रूट में, और ये लेटरल ब्रांच जो रहती हैं सेकेंडरी और टर्सरी रूट को मिलाकर लेटरल ब्रांच बनाती हैं। तो टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड प्लांट और सभी डाइकोट प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ग्राम आ जाता है, पी आ जाता है, मैंगो आ जाता है, MANG, ओ मैंगो। अब आता है हमारा दूसरा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है? तो फाइब्रस रूट क्या होती है? फाइब्रस रूट होती है मोनोकॉट प्लांट में जो प्राइमरी रूट होती है कुछ समय के लिए होती है, उसे फाइबर रूट सिस्टम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल था बीट प्लांट और पैडी। ये किस में होती है? मोनोकॉट प्लांट में, मोनोकॉट प्लांट। अब हमारा आता है थर्ड, एडवेंटियस रूट। ये क्या चीज होती है? अगर कोई रूट रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से निकलती है तो उसको एडवेंटियस रूट कहते हैं। जैसे ग्रास हो गया, मोनिस्ट्रा हो गया, बनियान हो गया, ये सब इसको हम एडवेंटियस रूट बोलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये हमारा पेज है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।